बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अच्छा जी, तो मैं हूँ कमल सज्जाद, लेकर आती हूँ आप लोग के लिए एवरी मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे ब्यूटिशियन कोर्स की ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है, जिसमें आप लोग बेसिक से एडवांस तक पूरा ब्यूटिशियन कोर्स कर रहे हैं घर बैठे। ओके, तो प्लीज अगर आप लोग को मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नीचे कमेंट में जो जो लोग रजिस्टर्ड है वो अपना रोल नंबर लिख दीजिए। ओके, और मजीद जो लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो मैं रोल नंबर यहाँ पर लिख दूंगी, वो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्टर्ड हो सकते हैं। और दूसरी कि अब ये कोर्स एक सर्टिफाइड कोर्स है, अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं तो इंशाल्लाह एंड ऑफ द कोर्स मतलब 3 to 4 मंथ में आप लोगों के सर्टिफिकेट इश्यूज कर दिए जाएंगे। ओके, चलिए जी, तो अब आज के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्हाइटनिंग ब्लीच। वैसे तो अब तक हमने जितना भी काम किया है वो सारा बेसिक से रिलेटेड था, लेकिन बेसिक की अभी भी काफी सारी चीजें बाकी है, ठीक है। लेकिन वीडियोस कुछ जो आज से नहीं बन पा रही है, लेकिन मेरे पास एडवांस की वीडियोस रेडी है, तो मैंने सोचा एडवांस भी तो हमें करना ही है। तो बेसिक टू एडवांस के बीच की एक लाइन होती है जिसमें कुछ चीजें होती है, व्हाइटनिंग ब्लीच, व्हाइटनिंग फेशियल, ये बहुत चीजें होती है, मतलब हम इसे किस तरह से करेंगे। बाकी फर्दर प्रेशर पॉइंट्स और बैक मसाज, नेक मसाज, इनकी सारी वीडियोस आपको आगे मिलती रहेगी। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ एक और बात बता दूं कि आज से वीडियो को आप लोगों को स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में, इस वीडियो के एंड में वीडियो से रिलेटेड जो जो मैं आप लोगों को मतलब टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें बताऊंगी, एंड में 3 सवाल पूछे जाएंगे या 2 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसका जवाब आप मुझे मेरे ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना उस पर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों की अटेंडेंस जो मेरी टीम है वो यहां से आपके जो कमेंट है उसको देखकर और आपके आंसर को देख के अटेंडेंस लगा देगी, ठीक है। जिसकी अटेंडेंस 80% से ज्यादा होगी उसको सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। और हाँ, ये अटेंडेंस आप लोगों को, जैसे अगर क्लास आज पोस्ट हो रही है, मतलब मंडे के दिन अगर पोस्ट हो रही है, तो आपको ट्यूसडे शाम 5 बजे तक अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। अगर इसके बाद किसी ने कमेंट किया या व्हाट्सएप पे जवाब दिया तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। ओके, ठीक है, चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है व्हाइटनिंग ब्लीच। ओके, व्हाइटनिंग ब्लीच, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं व्हाइटनिंग ब्लीच की। तो व्हाइटनिंग ब्लीच में बहुत सारी कंपनीज जो है वो क्लेम करती है कि हमारे ब्लीच व्हाइटनिंग है, ठीक है। बहुत सारी कंपनी, जैसे वेला का ब्लीच है, सिल्की वालों का ब्लीच है, और भी बहुत सारे ब्लीच आते हैं, फियाबिला का है, ये सारे ब्लीचेस मैं यूज कर चुकी हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल में ये सारे यूज करती हूँ। तो अब मुझे इसको एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग अगर देनी है तो मैं क्या करूंगी? तो इसके लिए अब मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जैसे व्हाइटनिंग पाउडर, व्हाइटनिंग कैप्सूल्स, व्हाइटनिंग टैबलेट्स, बहुत चीज अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज होता है, अब हम हर स्किन पे तो हर चीज नहीं लगा सकते, तो किस स्किन पे क्या लगाना है ये हम देखेंगे और इस वीडियो में, आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाइटनिंग ब्लीच है। व्हाइटनिंग ब्लीच मैंने आप लोग को बता दिया, वैसे मैं कंपनी के नाम यहाँ पे लिख दूंगी ताकि आप लोग को पता चल जाए कि मैं कौन कौन सी कंपनियों के ब्लीच यूज करती हूँ, और व्हाइटनिंग कैप्सूल और जो भी ब्लीच आज की वीडियो में मैं यूज कर रही हूँ वो आप लोग को आगे प्रैक्टिकल में देखने मिल जाएगा, ठीक है। ब्लीच कैसे बनाते हैं और कैसे लगाते हैं वो सब मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आप लोग को बताती रहूंगी अकॉर्डिंग टू फेस। चलिए जी, तो हम देखते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, तो आज की जो व्हाइटनिंग ब्लीच हम लोग बना रहे हैं वो मैं बना रही हूँ सिल्की कंपनी के साथ, ठीक है। आप लोग इसकी जगह वेला, स्विस नेचुरल, सॉफ्ट टच, फियाबिला या और भी बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, आप लोग कोई भी ले सकते हो, क्योंकि हम इसमें एक्स्ट्रा व्हाइटनिंग कैप्सूल या व्हाइटनिंग पाउडर डाल सकते हैं, तो हम लोग कोई भी कंपनी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो अपना पाउडर लिया है, और 2 टेबल स्पून मैं अपना ब्लॉन्डर लूँगी, ठीक है। आप लोग जब भी ब्लीच बनाओगे तो नॉर्मली हर ब्लीच बनाने का रेशो यही होता है कि 1 टीस्पून अगर आप ब्लॉन्डर ले रहे हो तो 2 टीस्पून आप लोग डेवलपर लोगे, ओके। अब वो टीस्पून हो या टेबल स्पून हो, मतलब 1/1 हिस्सा अगर आप पाउडर ले रहे हो तो 2 हिस्से आप ब्लॉन्डर के लोगे, अकॉर्डिंग टू योर फेस आपको जितनी भी नीड है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने 1/2 टीस्पून लिया है अपना सूथिंग लोशन, ये मैंने गोल्ड यूनिकॉस का यूज़ किया है। वैसे के केमिस्ट का भी बहुत ज़बरदस्त है सूथिंग लोशन, इवन स्विस नेचुरल और दूसरे ब्रांड्स के भी बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग को जो ईजिली मिलता है आप वो ले सकते हो। मैंने ये लिया है वाइटामिन ई का कैप्सूल, ये भी मार्केट में भरे पड़े हैं, आप ये भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है व्हाइटनिंग कैप्सूल, मेरी क्लाइंट की जो स्किन थी वो थोड़ी सी ड्राई थी तो मैंने इसलिए कैप्सूल लिया है। अगर मेरी क्लाइंट की स्किन ऑयली होती तो मैं व्हाइटनिंग पाउडर ऐड करती, ठीक है, लेकिन स्किन ऑयली थी इसलिए मैंने कैप्सूल लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि इसमें जो प्लम्स बन जाते हैं ना, गुठलिया जिसे कहते हैं, वो ना बने, मतलब ये एक स्मूथ पेस्ट हो जाए, ओके।
देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, चाहे आपको थोड़ा टाइम लग जाए ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, सही है। अच्छा अब ये देखें, ये मेरी क्लाइंट का फेस है, इसके ऊपर मैं अपना इस ब्लीच को अप्लाई करूँगी। अच्छा आप लोग को बोल में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, एक्चुअली जब मैंने इनके ऊपर ब्लीच लगाया था तो मैंने ब्लीच बनाने की वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे बनाना पड़ा एक्स्ट्रा आप लोग को रेसिपी बताने के लिए, ओके। अच्छा अब ये देखें मैंने अप्लाई किया, अप्लाई जब भी हम ब्लीच करेंगे ना स्पेशली ऑन फेस, हम लोग हमेशा ब्लीच को नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। वो उसका रीज़न ये कि हमारे स्किन है ना, बहुत सारे हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमारी क्या हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो उनकी स्किन है ना हेरी होती है, तो जब हम ऊपर से ब्रश को नीचे ले जाते हैं ना तो अंदर वाली साइड हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो प्रॉपर नहीं लगता है, जिससे हमें रिजल्ट 100% नहीं मिलता है। तो अगर हम नीचे से ऊपर लगाएंगे ना तो उससे हमारे बाल जो है वो स्टैंड आउट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ हो जाते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो अंदर तक डीपली लग जाता है और हमें रिजल्ट 100% मिलता है, ओके। तो आप लोगों को प्रोडक्ट इसी तरह अप्लाई करना है, ठीक है, स्पेशली जिन जिन एरियाज़ पे बाल है, बाकी जगह तो आप जैसे भी चाहो लगा सकते हो, लेकिन जिन जिन एरियाज़ पे बाल होते हैं ना वहाँ पर हमें इसी तरह प्रोडक्ट। अच्छा जी तो अब प्रोडक्ट अप्लाई हो चुका है और ऑलमोस्ट इसको हम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे फेस के ऊपर, लेकिन ड्यूरिंग एप्लीकेशन मतलब ड्यूरिंग जब हमने रखा हुआ है एप्लीकेशन तो नहीं, हम हर 2-4 मिनट बाद इसको रिमूव करके देखते रहेंगे, स्पेशली हमारे चीक्स बोन पर कि कहीं हमें मार्क तो नहीं हो रहे या कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और हाँ अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन आती है ना तो आप लोग क्या करोगी कि चीक्स है, चिन का एरिया है, फॉरहेड वाला एरिया है, वहाँ पे सूथिंग लोशन अप्लाई कर दो ताकि क्लाइंट का बिल्कुल एक सेफ रिजल्ट आए, ताकि वो स्पॉट्स या कोई भी रैशेज वगैरह भी ना हो, सही है। अच्छा इसके बाद मैंने एक वेट स्पंज लिया है और वेट स्पंज से मैं अच्छी तरह से इनके ब्लीच को रिमूव कर दूंगी, क्योंकि ब्लीच हो चुका था और ऑलमोस्ट मुझे रखे हुए 20 से 22 मिनट्स हो चुके थे, ठीक है। एप्लीकेशन भी हमें बहुत सॉफ्टली करनी है, बिल्कुल ऐसा धबड़ नहीं करनी है कि हम क्लाइंट को मार रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रोफेशनली काम करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब भी हम रिमूव करें या अप्लाई करें हम क्लाइंट के राइट साइड पे खड़े हो, ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है काम करने का। अच्छा जी तो अब ऑलमोस्ट क्लाइंट का फेस बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका है, रिमूव हो चुका है, सेफ साइड के लिए आप लोग बाद में सूथिंग लोशन भी लगा सकते हो अगर किसी का फेस रेड हो जाए या एक्स्ट्रा पैचेस हो जाए, लेकिन मेरी क्लाइंट का फेस बिल्कुल सही था तो मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ मैंने एक ठंडे पानी से रिमूव कर दिया, ओके। अब आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा जी तो आज की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी और प्रैक्टिकल भी देख लिया होगा, अब आप लोग मुझे बताइए कि सबसे पहले ऑयली स्किन पे अगर हमें व्हाइटनिंग ब्लीच करना है तो हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयली स्किन पे ये हमारा पहला सवाल है, ठीक है। अगर ऑयली स्किन मेरे पास आती है और मुझे व्हाइटनिंग ब्लीच करना है तो मैं क्या ऐड करूँगी उसमें, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल है कि मैंने आज जो ब्लीच यूज़ किया है वो किस कंपनी का यूज़ किया है, ठीक है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि हम जब भी ब्लीच को अप्लाई करते हैं तो किस फॉर्म में करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं या नीचे से ऊपर करते हैं, ठीक है। तो मेरे आज के ये 3 सवाल है और इसके जवाब आप लोग मुझे ये जो व्हाट्सअप नंबर है ना वहाँ पर देंगे, और जो लड़कियां मेरी ये वीडियो पूरी देख चुकी है स्टार्ट से लेके एंड तक वो अपना रोल नंबर नीचे कमेंट करेंगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम क्लासेस को ऐसे ही लेके चलेंगे और आगे बहुत सारी चीजें एडवांस में सीखेंगे। चलिए जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।